चीन के वुहान शहर से निकला बेहद संक्रामक और जानलेवा कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 30,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 6,00,000 पार कर चुकी है। भारत में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,000 पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना वायरस से मुकाबला के लिए देश में 21 दिनों को लॉकडाउन का ऐलान किया है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि मैं अपने और अपने परिवार के लोगों को कोरोना के संक्रमण की पहचान किस तरह से कर सकता हूं। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान के लिए लैब टेस्टिंग जरूरी है। आपको इन 5 में से किसी एक टेस्ट के नतीजे के आधार पर कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि करने की जरूरत है। अब तक भारत में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए कोई टेस्ट किट उपलब्ध नहीं है। इसके लिए किसी अस्पताल में कई टेस्ट करने के बाद नतीजे निकाले जा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान के लिए किसी अस्पताल में आपको लगातार कई टेस्ट कराने की जरूरत हो सकती है। आपको बता दें कि पहला स्वाब टेस्ट होता है। इस टेस्ट में लैब एक कॉटन स्वाब से गले या नाक के अंदर से सैंपल लेकर टेस्ट करता है। दूसरा है नेजल एस्पिरेट, वायरस के जांच करने वाला लैब आपके नाक में एक सॉल्यूशन डालने के बाद सैंपल कलेक्ट कर उसकी जांच करता है। तीसरा है ट्रेशल एस्पिरेट, ब्रोकोस्कोप नाम का एक पतला ट्यूब आपके फेफड़े में डालकर वहां से सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। चौथा है स्टंप टेस्ट, यह फेफड़े में जमा मटेरियल या नाक से स्वाब के जरिए निकाले जाने वाले सैंपल का टेस्ट किया जाता है। पाँचवा है ब्लड टेस्ट, इस तरह के सभी सैंपल को जुटाने के बाद कोरोना वायरस के हिसाब से इसका विश्लेषण किया जाता है। कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के लिए इनका ब्लैंकेट टेस्ट किया जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो या आपने हाल में उन इलाकों की यात्रा की है जो कोरोना से प्रभावित हैं, तो आपको अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति ने इस तरह की यात्रा की है और आप उनके संपर्क में हो, तो भी आपको कोरोना का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए।